वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन या अल्काइन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप लोगों को इनके जो नेम है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनके तीन तीन जो है वो इनके कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग, सॉरी टेन टेन कंपाउंड्स की जो है वो नेमिंग के बारे में बताऊँगी। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है ये फोर होती है, मतलब कि एक टाइम में कार्बन मैक्सिमम फोर बॉन्ड बना सकता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस फोर बॉन्ड की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, कार्बन अपने ही एलिमेंट मतलब कि कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर कार्बन नहीं होगा देन वो किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हम नेमिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन को। अल्केन्स की जब भी बात करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्केन्स क्या है। ए एन ई की यहाँ पे टर्म जो है वो यूज हो रही है। तो इस ए एन ई का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, देन हम उसे कहेंगे अल्केन। अगर जितना भी पड़ा है हमारे पास जो है वो कंपाउंड है, उसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट है सबके दरमियान ही सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसे अल्केन कहेंगे। यहाँ पे अगेन बता देती हूँ, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड को हम अल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनके नाम लिखते हैं तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे नेम और इधर इसका क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसका नेम होता है इसे कहते हैं मीथेन। मीथेन में कार्बन कितने होते हैं, या यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देती हूँ नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे लिख देती हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, जस्ट 1 कार्बन होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, मैंने अभी भी कहा था कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि और तो कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ ये जो है वो बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, CH4। तो ये CH4 क्या हो जाएगा, मिथेन हो जाएगा। देन हम इसके सेकेंड नेम की बात करते हैं, सेकेंड नेम को हम कहते हैं इथेन। इथेन में कार्बन्स कितने होते हैं, 2 कार्बन्स होते हैं। तो अगर हम 2 कार्बन्स का जो है वो बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन और कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो इन्होंने बाकी जो है वो वैलेंसी तो पूरी करनी है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 3 बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, 1, 2 एंड 3। इसी तरह 1, 2 एंड 3। और अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ तो ये कार्बन लिखा मैंने, इसके ऊपर हाइड्रोजन्स कितने अटैच हैं, 3। देन हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, देन नेक्स्ट कार्बन लिखा और इसके साथ हाइड्रोजन्स कितने अटैच हैं, 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेन आ जाएगा। इथेन का मतलब है इसमें 2 कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। देन हम बात करते हैं प्रोपेन की। प्रोपेन में हमारे पास कार्बन कितने होते हैं, प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन्स होते हैं। अगर आप लोगों को जो है इसके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो वो किस तरह बनाएंगे, 1, 2 एंड 3। ये 3 कार्बन्स क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन को देखें तो ये एक बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इसके साथ क्या अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से अटैच हो गए तो इसके 4 बॉन्ड्स जो है वो कम्प्लीट हो गए। साथ वाले कार्बन को देखेंगे तो ये 1 एंड 2 बॉन्ड्स बना रहा है और इसके साथ 2 क्या अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। ये कार्बन जस्ट 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच करने पड़ेंगे, 3। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा प्रोपेन का। अगर मैं इसे कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ तो सबसे पहले ये कार्बन लिखूंगी, कार्बन नंबर 1, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट कार्बन लिखूंगी, ये
और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2। नौ में लिखूंगी इसका थर्ड कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, 2 और 3। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जो है वो ब्यूटेन की। ब्यूटेन में हमारे पास 4 कार्बन होंगे और इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, कार्बन कार्बन आपस में जो है वो 4 कार्बन अटैच हो जाएंगे। अब हमने इसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे। ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे क्योंकि हमने वैलेंसी 4 पूरी करनी है। तो ये कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो हम इसके साथ 2 हाइड्रोजन से और अटैच कर देंगे, और ये कार्बन जस्ट 1 बॉन्ड बना रहा है तो हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन की एडिशन करके ये कंप्लीट करेंगे। कंडेंस फार्मूला लिखते हैं, नंबर 1 कार्बन लिखती हूँ मैं, इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। देन हम नेक्स्ट कार्बन लिखते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं, 2। नाउ नेक्स्ट कार्बन एंड इट हैव 2 हाइड्रोजन, एंड नेक्स्ट कार्बन इट हैव 3 हाइड्रोजन, 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास किसका आ गया, ब्यूटेन का आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, पेंटेन होता है। पेंटेन में हमारे पास कितने कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। तो ये 5 कार्बन आपस में जो है वो मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, और ये चेन किस फॉर्म में होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बन जस्ट 1 बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये कार्बन 1 और 2 बॉन्ड्स बना रहा है सो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड्स बना रहा है और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और ये कार्बन जस्ट 1 बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 1, 2 और 3। और अगर मैं इसे लिखती हूँ कंडेंस फॉर्म में लिखती हूँ तो ये कार्बन लिखते 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, नेक्स्ट के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं, देन इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन हैं, एंड देन लास्ट वन के साथ कितने हैं, 3 हाइड्रोजन हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटेन का जो है वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 6 कार्बन आपस में मिलकर एक लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे, ये सीरीज बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है इसलिए 2 हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे। इसके साथ भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये किसके साथ बनाएगा, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखती हूँ तो ये आ जाएगा CH3 CH2। ये हमारे पास आ जाएगा CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 एंड ये हमारे पास CH3 आ जाएगा। और ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास हेक्सेन का आ गया। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट की, वो क्या होगा। यहाँ पे इसे मैं इस फॉर्म में जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट वन जो के है हेप्टेन। हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं, 7 कार्बन होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे हेप्टेन का स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगर इनकी हम वैलेंसी को पूरा करते हैं तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3। इसके साथ 2 क्योंकि ये 2 बॉन्ड्स पहले ही कार्बन के साथ बना रहा है। सेम केस हमारे पास इधर आ जाएगा और जितने भी मिड में हमारे पास कार्बन आएंगे ये सारे 2 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। जस्ट टर्मिनल वाले जो कार्बन होते हैं ये कितने कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये टर्मिनल वाले 3 के साथ बनाते हैं, और मिड में जितने भी आते हैं वो सारे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और इसका कंडेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2
सी एच टू कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा हेक्सेन सॉरी हेप्टेन का। तो ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो हेप्टेन का आ गया। नाउ हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑक्टेन की। ऑक्टेन में 8 कार्बन होंगे, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन्स टर्मिनल पे, पहले पे बता चुकी हूँ कि 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, और मिड वालों पे कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। तो हम वही जो है वो फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो गौर कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, उतने ही सी एच टू ग्रुप जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा। अगर मैं इसका कंडेंस फार्मूला लिखती हूँ तो ये हमारे पास जो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये टर्मिनल कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स हैं, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर अगेन 2, इसके ऊपर भी 2, देन फिर 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स एंड देन हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स। यहाँ पे कार्बन के आप तादाद देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नोनेन, और इसमें 9 कार्बन होंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टर्मिनल पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 3, लेकिन मिड वालों पे कितने हाइड्रोजन्स होंगे, हमेशा 2 हाइड्रोजन्स जो है वो मिड वालों पे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इन्हें डायरेक्ट लिखना हो, जैसे कि C9 अगर आप लिखना चाह रहे हो, देन आप इसके हाइड्रोजन्स को एक फार्मूला के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला भी बता देती हूँ, लेकिन ये पहले कर लेती हूँ। इसे कंडेंस फार्मूला में लिखूँगी, CH3 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन। तो ये हमारे पास जो है नोनेन का कंडेंस फार्मूला आ गया। अब हमारे पास लास्ट वन है डिकेन। डिकेन में हमारे पास कितने कार्बन्स होंगे, 10 कार्बन्स होंगे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे टर्मिनल्स पे 3 हाइड्रोजन्स एंड मिड में हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन्स होते हैं वो आ जाएंगे। इस फॉर्म और अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखते हो तो टर्मिनल पे 3 हाइड्रोजन्स, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, डिकेन का आ जाएगा। तो अभी मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने इसका जो है वो डायरेक्ट लिखना हो तो इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, और वैल्यूज पुट करके हम लोग इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कार्बन 4 की मैंने फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कार्बन 4 C4, तो हाइड्रोजन्स कितने आ जाएंगे, 2 × 4+2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, C4 = हाइड्रोजन, 4 × 8+2 = 10। तो हम कार्बन 4 में देख लेते हैं हाइड्रोजन्स कितने थे, ये कार्बन 4 था, हाइड्रोजन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
तो इसी तरह आपने किसी भी चीज़ के जो है वो हाइड्रोजन की तादाद फाइंड आउट करनी हो डायरेक्ट लिखने के लिए हमसे क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला के जरिए देख सकते हैं। जैसे अभी मैं डिकेन के एग्जाम्पल की बात करती हूँ, तो कार्बन 10, हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 10 × 2 + 2, तो ये आ जाएगा C10, 10 × 2 = 20 + 2 = 22। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करें हाइड्रोजन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22। तो इस तरह आप जो है वो लिखने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, ताकि आप लोगों को हाइड्रोजन्स की तादाद जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।